कारण है कि जातीय जनगणना को लेकर के इन लोगों कोर्ट का सहारा लिया। इसके पहले भी ये लोग लिए थे सहारा, जिसमें ये सफल नहीं हो पाए थे। बिहार ही के लिए नहीं, देश के लिए जरूरत है, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं कि इस पर रोक लगाने के लिए, व्यवधान क्रिएट करने के लिए ये तत्काल वो लोग। जनता दल यूनाइटेड को एक बड़ा झटका लगा और जातीय जनगणना पर जिस प्रकार से अंतरिम रोक लगी है उसको लेकर अब चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड क्या करेगी, अगला स्टेप क्या होगा और जातीय जनगणना पर रोक के बाद जदयू का क्या स्टैंड है, तमाम चीज़ों को लेकर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से राजेश तिवारी के बयान को हम सुनवाते हैं। इसके पहले भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना पर बोलते रहे हैं और एक बार फिर से अब आज सुबह ही मुख्यमंत्री ने बयान दिया था और दोपहर में जब ये फैसला आया तो उसके बाद जदयू क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी साफ किया है कि आने वाले दिनों में सरकार जब सुनवाई होगी कोर्ट में तब समुचित जवाब देगी। जातीय जनगणना हम लोग बिहार में कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कराएंगे भी। जातीय जनगणना पर आप लोगों को बड़ा झटका लगा है, हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। देखिए ये तत्कालीन झटका है, लेकिन हकीकत ये है कि भाजपा जो है इस पर शुरू से ही व्यवधान शुरुआत कर दिया था और उसी का परिणाम है कि इस पर अपने बी टीम के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से जिस तरह से कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रहा था, तो इसलिए लगा हुआ है, तत्काल लगा हुआ है। लेकिन आशा है कि आने वाले समय में हम लोगों को इसको राहत मिलेगा और जातीय आधार जनगणना बिहार ही के लिए नहीं, देश के लिए जरूरत है। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं कि इस पर रोक लगाने के लिए, व्यवधान क्रिएट करने के लिए ये तत्काल वो लोग एक्टिव है, लेकिन अपने मंसूबे में वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो याचिकाएं दायर की जा रही हैं जिस संस्था के द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा, आप कह रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा है, वो सामने नहीं आ रही है। अच्छा, सामने नहीं आने की वजह क्या लगता है आपको? सामने ये है कि उन लोगों को सच ये आरक्षण से और इन लोगों को हमेशा दिक्कत रहा है। ये जिस टाइप से नागपुरिया कानून लागू करते हैं और जिस तरह से ये दलित को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, पिछड़ा वर्ग को लेकर के इन लोगों के प्रति जो नफरत है वो हमेशा समय समय पर झलकते रहता है और दिखाई देता है। यही कारण है कि जातीय जनगणना को लेकर के इन लोगों को कोर्ट का सहारा लिया। इसके पहले भी ये लोग लिए थे सहारा, जिसमें ये सफल नहीं हो पाए थे। इस समय तत्काल कुछ समय के लिए ये लोग सफल जरूर हुए हैं, लेकिन इतना श्योर है कि हम लोग का न्यायालय पर भरोसा है, आने वाले समय में ये सत्य का जरूर जीत होगा और जो इस तरह का पालन कर रहे हैं, जो इस तरह का आगे बढ़ रहे हैं, उसमें ये लोग ना कर। मैं आप चलिए, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है वो ओबीसी आरक्षण नहीं देना चाहती है, नहीं बढ़ाना चाहती है, जाति के नाम पर नफरत फैलाती है। एक तरफ आपके ही महागठबंधन के नेता हैं वो ब्राह्मणों के प्रति खुले मन से नफरत फैला रहे हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण रशिया से आए हैं, उनको रशिया चले जाना चाहिए। देखिए ये कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो किसी भी दल में हैं, जो इस तरह का जो है नफरत फैलाना चाहते हैं। हम उन लोगों से साफ करना चाहते हैं कि देखिए ब्राह्मण या कोई भी जात हो, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, जो कहता है हम भारत के लोग भी विश्वास करते हैं, सभी भारतीय हैं। लेकिन अगर इस तरह का भावना अगर रखे हुए हैं तो ये बताइए, जो ये सुदामा और श्री कृष्ण का जो बाल सखा वाला था, जो गोकुल के रहने वाले थे और जिन्हों के एक साथ है, क्या श्री कृष्ण भगवान जो है रशिया के परशुराम सुदामा जी से दोस्ती किए थे? अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।